शिवराज का होगा बेड़ा पार या जनता दिखाएगी कांग्रेस पर विश्वास? सत्ता विरोधी लहर में कैसे होगी भाजपा की नैया पार? क्या कांग्रेस सही मायने में हो पाएगी एकजुट? क्या कांग्रेस करेगी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित? क्या इस बार फिर बनाएगी भाजपा अपनी सरकार या फिर कांग्रेस करेगी सत्ता वापसी? क्या कमलनाथ को मिलेगी पीसीसी की कमान या अरुण यादव ही संभालेंगे मोर्चा? क्या सिंधिया होंगे सीएम का नया चेहरा या बिना चेहरे के ही कांग्रेस लड़ेगी चुनाव? नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में और मैं हूं आपके साथ दिव्य सहगल। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे मिशन 2018 की, किसकी बनेगी अब की बार सरकार। ये देखने वाली बात होगी, क्या वाकई कांग्रेस कर पाएगी प्रहार या फिर शिवराज का होगा बेड़ा पार। आज मुद्दे की बात में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मिशन 2018 की दोनों पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और अपना प्रदेश अध्यक्ष तय कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में अभी भी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर रस्साकशी का दौर जारी है। मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात करें तो वहां पर भी भाजपा फिर से शिवराज पर ही दांव लगा सकती है, पर कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए अभी भी घमासान जारी है। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आलाकमान नेतृत्व, क्या वाकई कांग्रेस में सीएम का चेहरा मध्य प्रदेश के भीतर घोषित करेगा या फिर वैसे ही एक बार और बिना चेहरे के कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आज इस पर हम चर्चा करेंगे मुद्दे की बात में। सुधीर गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रामेश्वर भदौरिया भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रदीप मांडरे इस डिबेट के समीक्षक रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं ग्वालियर शहर में। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा और पहली प्रतिक्रिया सुधीर गुप्ता जी आपकी लूंगा। किस तरह से देखते इस चुनाव को? अभी तक आपके सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है और ना ही बीसीसी पीसीसी डीसीसी में कुछ काम सामने आया है। मैं पहले बहुत धन्यवाद दूंगा एसकेएस न्यूज को कि उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक मिशन 2014 चुना है। 2014 की आप डिटेल बता रहे थे ना, 18 में चुनाव होंगे। 18 मिशन 2018 आप देख रहे हैं कि पूरा प्रदेश आज हाहाकार कर रहा है। लोग आज मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमंत महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। सिर्फ सिंधिया जी को देख रहे हैं, औरों को भी देख रहे हैं? बाकी हमारी आम सहमति पार्टी काउंटर क्वेश्चन, सुधीर जी, सिंधिया जी को देख रहे हैं या औरों को भी देख रहे हैं? आम सहमति हमारी पार्टी के अंदर बन जाएगी। आदरणीय कमलनाथ जी का भी इशारा सिंधिया जी की तरफ है। कमलनाथ जी कह रहे हैं बहुत सारे चेहरों की जरूरत है, एक चेहरे से काम नहीं चलेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय एक तरह से कर ही लिया है कि सिंधिया जी मध्य प्रदेश की अगुवाई करेंगी और आम जनमानस पूरा सिंधिया जी की तरफ देख रहा है। ये एक युवा चेहरा है। भाजपा ने इस प्रदेश को पूरा बर्बाद कर दिया। अब आप लाइन से आ जाइए, पहले अपन प्रदेश की बात बाद में करेंगे, ग्वालियर से अपन लें। ग्वालियर के अंदर जो 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल बनना था, दो बार माननीय मुख्यमंत्री दो बाबूलाल गौर जी और माननीय शिवराज सिंह जी उसका शिलान्यास कर चुके। ग्वालियर का यह दुर्भाग्य है कि 10 साल में वो हॉस्पिटल बनके तैयार नहीं हो पाया। आज ग्वालियर का जितना प्रभुत्व मंत्रिमंडल में, चाहे वो प्रदेश में हो और केंद्र में हो, इतने प्रभावशाली मंत्री रहते हुए भी ग्वालियर का डेवलपमेंट क्यों नहीं है? ये बात आपकी सही है। मेरा सवाल ये, संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस कितनी तैयार है 2018 के चुनाव के लिए? 2018 के हिसाब से कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। यहाँ पर चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो गाइडलाइन सिंधिया जी ने बनाई है कि हमें ब्लॉक लेवल के एक एक बूथ पर जाना है, बूथ पर हमारा कंसंट्रेट है, बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सजग बैठे हुए हैं। जो इन्होंने, आप देख सकते हैं, जो भी वर्तमान में दोनों चुनाव हुए कोलारस के, और उसमें किस प्रकार बीजेपी धांधली करने के लिए उतारू थी। 13,000 वोटर तो आज सिद्ध हो गया कि सुप्री कलेक्टर इस बारे में दोषी पाए गए कि 13,000 वहां नाम अवैध रूप से देखिए। अगर एक 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 इस प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर बात करें तो बीजेपी उसमें कामयाब रही है, उसने अपना प्रदेश अध्यक्ष पहले बदल लिया है, प्रदेश अध्यक्ष के चयन में वो आपसे आगे रही। कांग्रेस को एक काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बीजेपी अपना कोई भी मुखौटा बदल दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, चाहे वो बजरंग दल के तोगड़िया को हटा दे, चाहे यहाँ पे सिंह साहब को ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम जनमानस ये तय कर चुका है कि भाजपा को हटाना है, इस मध्य प्रदेश और प्रदेश को बचाना है। देश के अंदर नोटबंदी करके जो मोदी जी ने देश का हल किया, पूरी देश की प्रादेशिक मुद्दों पर आप बात करें, इकोनॉमी फ्लॉप हो चुकी है। पूरे देश के उद्योग, छोटे धंधे मझोले थे, वो पूरे बंद हो चुके हैं।
टिप्स पे आप काउंट कर लेंगे कितनी इंडस्ट्रीज प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कब तक आपकी घोषित हो पाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि आम सहमति श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के नाम पर लगभग हो चुकी है, कुछ ही दिन में घोषणा हो जाएगी 29 तारीख को हमारी घोषणा का। कांग्रेस ही और तमाम सारे लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सुधीर जी पर, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। कहा जाता है ना इंतजार का फल मीठा होता है, वही देखना चाह रहे हैं। ज्यादा इंतजार करने से फल पक भी जाता है, सड़ भी जाता है। जनता उपद्रवित हो चुकी है भाजपा से, वो आप देख चुकी है। ठीक बात है, पर वो उद्वेलित होना कांग्रेस के लिए भी बनता है, कांग्रेस उद्वेलित क्यों नहीं हो रही है? अब आप कांग्रेस हर मिशन को तो कर रही है, कितने मूवमेंट उठा रही है आप देखिए। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी मात्र 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल था, जिस पर इनकी दोनों नेत्रियां जो भी केंद्र में मंत्री बनी हुई है सुषमा स्वराज, आप भी करो, आपको किसने रोका हुआ है? आप भी विरोध कीजिए ना, दूसरी आप क्यों नहीं करते विरोध? इतनी नाटक नौटंकी इन्होंने की। चलिए मैं लौटूंगा आपकी तरफ रामेश्वर भदौरिया जी, आपका काम करने में विश्वास रखती है। सुधीर जी वापस लौटूंगा आपकी तरफ, रामेश्वर भदौरिया जी, किस तरह से देखते हैं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इस बार हावी है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है? भले ही आपके सवाल पूरा कर लेने दीजिए मुझे, भले ही आपने अध्यक्ष पद के चयन को लेकर बाजी मार ली हो, पर फिर भी टफ फाइट है। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है, हमारे यहाँ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री आदरणीय राकेश सिंह जी को बना दिया है, चुनाव अभियान समिति की कमान ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर को दे दी गई है, और हमारा जो चुनाव का कार्यक्रम है पार्टी में बन चुका है। हमारी संभागीय बैठकें, जिला स्तर की बैठकें, मतदान केंद्र की बैठकें, और पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, हमारी सारी पूरी तैयारी हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारे संगठन में, हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारा संगठन काम वर्ष भर चलता है, क्योंकि हम वर्ष भर मतदान केंद्र पर चर्चा करते हैं, चाहे जयंती का कार्यक्रम हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हो या डॉक्टर श्यामा प्रसाद संगठनात्मक स्तर से अलग हमारे आपसे सवाल करूंगा, हमारी आपके लिए टफ फाइट है इस बार चौथी बार के लिए? देखिए सहगल जी, हमारे लिए कोई टफ फाइट नहीं है, कांग्रेस के पास अभी नेता का चयन नहीं हो पाया, उनमें आपसी विवाद है, उनमें ये नहीं तय हो पा रहा है कि सिंधिया जी नेता बनेंगे, कई बार तो कांग्रेस ये भी कहती है हमारी पार्टी नहीं है, हम बिना नेता के चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का भी मनोनयन हो गया है, और अभियान चुनाव अभियान समिति का भी मनोनयन हो गया है, हमारी पूरी तैयारी है, और हम 100% भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाएगी, क्योंकि हमारे जो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो कार्य कराए गए, आज पूरे प्रदेश में एक जो वातावरण बना है उससे जनता हमारे साथ है, और हम 100% चुनाव मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, यहाँ की सड़कों की अधोसंरचना की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, इन मुद्दों पर कई बार बैकफुट पर सरकार आई है, ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बनते इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपने जो बताए मुद्दे उन पे हमारी सरकार, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, हमारी सरकार पूरी भाई महिला और बेटियों के संबंध में हमारी सरकार पूरी तरह काम कर रही है, जो दोषी है उनको हम लोग सजा दे रहे हैं, और कानून अपना काम कर रहा है भाई, कानून अपना काम कर रहा है, और पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है। कानून हमारा, हमारी जो सरकार है पूरी तरह कानून का पालन कर रही है, और कानून अपना काम कर रहा है। आपको लगता है इस बार सरकार बना पाएंगे? मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी तो प्रदेश में आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में इतने गड्ढे थे सड़कों पे, आज मध्य प्रदेश की रोड इतनी सुंदर और टिकाऊ रोड़े हो गई हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। आज हम चाहे भोपाल की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे जबलपुर की बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें, आज अपन ग्वालियर से ले लें, ग्वालियर की चाहे सुपरी लिंक रोड का चौराहे ले लें, चाहे भिंड से गोले का मंदिर का चौराहे ले लें, सर आउटर में ही घूमते हैं ग्वालियर के, आप शहर के अंदर कुछ अंदर की सड़कों को भी तो देखिए, आप जो रिहायशी एरिया है उसको भी तो एक बार जाकर देखिए, आप शहर और पॉश एरिया सिटी सेंटर जो कहा जाता है आप उसका भी एक बार भ्रमण कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम में माननीय विवेक सेवल, चलिए लौटूंगा आपकी तरफ, वापस चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है, वापस लौटूंगा आपकी तरफ। प्रदीप मांडरे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एक अच्छे समीक्षक हैं। मांडरे साहब, कांग्रेस भी सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना रही है, बड़ा सवाल है, जवाब आपसे लेता हूं मैं इसका। देखिए इस बार का जो चुनाव है नवंबर में होने वाला है, ये पिछले चुनाव जो 2013 में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, उस चुनाव से बिल्कुल भिन्न होगा। बिल्कुल ठीक, उन दोनों चुनावों में लगभग मोदी लहर थी, उसका फायदा बीजेपी को मिला, और इस चुनाव में एक हम ये भी देख रहे हैं कि अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो इसी महीने अप्रैल में है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में
अगर वहाँ बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो एक संभावना यह भी बन रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो दूसरी संभावना यह भी चल रही है, हालांकि अखबारों में थोड़ी बहुत ही इस प्रकार की खबरें आई हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ थोड़ा सा जो नकारात्मक माहौल एंटी इनकम्बेंसी माना जा रहा है, तो तीनों राज्यों में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और 2019 में एक साथ चुनाव, हाँ 2019 में जो लोकसभा चुनाव हो उसी के साथ ये विधानसभा चुनाव कराए जाए। राष्ट्रपति चुनाव लगाने का एक संदेश ये देंगे कि हम सरकार का खर्चा बचाना चाहते हैं, इसलिए एक साथ हम ये चुनाव कराना चाहते हैं। और दूसरा बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जाएगा, बीजेपी का फायदा उसको ये हो सकता है कि जब तक नकारात्मक थोड़ा सा जो माहौल बनता है सत्ता का, वो थोड़ा सा असर कम, यानी सत्ता विरोधी लहर को कम करने में कामयाब शायद हो पाए, शायद ये चर्चा है। अब देखो क्या स्थिति बनती है आगे, लेकिन ये भी चर्चा है। जी तो कुल मिलाकर टफ इस बार कांग्रेस के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनाव है, कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। बिल्कुल, ये चुनाव इस बार बीजेपी के लिए ज्यादा टफ है, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा अनुकूल माहौल बन रहा है, कांग्रेस अगर अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देती है तो शायद कांग्रेस को उतना फायदा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंधिया जी लोकप्रिय है, जनता में भी उनका एक प्रकार की छवि अच्छी है, लेकिन हम विंध्य की बात करें, माकोसल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें और भी दूसरे मध्य प्रदेश में और राज्यों की और क्षेत्रों की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग में तो सिंधिया जी की लोकप्रियता, ये बात सही है, नहीं पर अगर सीटें आती ग्वालियर चंबल संभाग में, 34 बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये 34 सीटें आती हैं तो सिंधिया जी पिछले बार भी मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव व्यवहार समिति के अध्यक्ष थे, आप पिछली बार का रिकॉर्ड उठाकर देखिए कितनी सीटें आई, ग्वालियर में उनको उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हार मिली, नहीं ग्वालियर में तो एक सीट भी कांग्रेस के पास नहीं है, हाँ, तीनों सीटें ग्वालियर पार्टी के पास, डबरा में जरूर जीती, ग्वालियर शहर की मैं बात कर रहा हूं। जी, तो ये है कि अगर सिंधिया जी को उम्मीदवार सीएम का नहीं बनाया जाता है तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा प्रदेश व्यापी, भले सिंधिया जी को नुकसान हो कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि सभी गुट के जो नेता हैं, अजय सिंह राहुल हैं, कमलनाथ हैं, भूरिया हैं, दिग्विजय सिंह हैं, सिंधिया जी हैं, जब सब एक साथ मिलकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मुद्दे की बात में आज सवाल है हमारा मिशन 2018। मिशन 2018 दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है इस बार, जहां कांग्रेस तीसरी बार विपक्ष में इस बार है, चौथी बार के लिए बड़ी दमखम लगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की, कैसे ना कैसे 2018 के चुनाव में सत्ता वापसी कर ली जाए, बड़ा सवाल रहेगा कांग्रेस के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी वहीं अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तीन बार सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन रहा है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर। प्रदीप पांडे साहब, आपसे सवाल, सत्ता विरोधी लहर का कितना नुकसान माना जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, कुछ एक साल से अगर बात करें, एक साल 5-6 महीने से थोड़ा सा बीजेपी को केंद्र में और राज्य में जहाँ उसकी सरकार है, थोड़ा सा एक नकारात्मक माहौल तो उसको मिल रहा है। हालांकि पूर्वोत्तर में अभी जरूर बीजेपी को जो जीत मिली है वहाँ अलग प्रकार की बात है, वहाँ उसकी तुलना नॉर्थ के राज्यों से नहीं कर सकते, और जो नकारात्मकता जो मिल रही है उसकी कई वजह हो सकती है। अब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जी बिल्कुल बिल्कुल उसकी बात करें तो वहाँ भी एक माहौल बना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बीजेपी के समर्थक में माने जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन जनता में कुछ वर्ग तो ऐसा है ही जो ये मानता है, और कांग्रेस भी इसको हवा देने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, कहीं ना कहीं इसका असर बीजेपी को नुकसान के रूप में मिल रहा है, हालांकि नोटबंदी और जीएसटी से सरकार को जरूर फायदा हुआ, सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, आयकरदाताओं की संख्या बढ़ी है, और सरकार कितनी भी ज्यादा लोकप्रिय हो अगर वो घाटे में है तो उसकी लोकप्रियता ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, राजस्व की जरूरत पड़ती है, और आज ये अच्छी बात है कि मोदी सरकार के कुछ सख्त कदमों से
सरकार का जो खजाना है वो भर रहा है। जी, दो तीन बातें इसमें मांडे साहब बड़े सवाल के रूप में आ रही हैं। पहली चीज तो जो देशव्यापी आपने समस्याएं गिनाई, जैसे कि जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए भी एक समस्या बन रही है, नोटबंदी, जीएसटी और दो तीन चीजें, महंगाई को आप ले लें। मध्य प्रदेश की बात करें तो सुरक्षा और जो दो तीन मुद्दे मैंने पहले गिनाए, ये भी कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर के तहत काम करेंगे मध्य प्रदेश में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, जो सुरक्षा की बात करें, जैसे अभी जो बालिकाओं पर जो इस प्रकार के दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, वो तो कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ करती थी। और कोई पर तब कारण रहा था कि कांग्रेस गई, इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो नुकसान हो रहा है, हो सकता है एक तो ये 80 रुपए से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, वेट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, इसका खामियाजा मुझे लग रहा है कि बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस भी अभी इस ये आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है कि हम सरकार में आए तो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, वेट हम कम जरूर करेंगे। ये कांग्रेस भी अभी इस प्रकार का आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबको मालूम है कि वेट सरकार चलाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, वापस लौटूंगा आपकी तरफ सुधीर गुप्ता साहब। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को या फिर किसी भी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो शायद आपके लिए फायदेमंद साबित हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सिंधिया जी को बहुत ही शीघ्र घोषित किया जा रहा है सीएम का कैंडिडेट, पूरे प्रदेश से मांग उठ रही है उनके। उन्होंने जहां था अभी मिटर में आप पोलिंग देखिए, जहां जहां हुए पूरी सरकार के मंत्री संतरी विधायक सब लाइन से लग गए, इतना पैसा गंदा का अंतर बहुत कम हो गया था पिछली बार से। सरकारी व्यक्तियों से पैसे बटवाए गए, गिरधर और पटवारी लोग पैसे बांट रहे थे, कोलारस में मैं भी रहा, जहां देख लो। मेरा सवाल था कि क्या सिंधिया जी से फायदा होगा कांग्रेस को या नुकसान? सिंधिया जी से एक तरफा फायदा जाएगा, वन साइडेड कांग्रेस गवर्नमेंट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। सिंधिया जी की जो छवि है, जो व्यक्तित्व है, जो उनका काम करने की शैली है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस को कितना नहीं है कि इतनी 3000 मध्य प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। ठीक ठीक साहब, सवाल अब मैं आ जाऊँ ग्वालियर, मेरे सवाल तो सुन लीजिए, तब आप आइएगा जवाब पर। संगठन स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर आप कितना मजबूत मानते हैं कांग्रेस को? कांग्रेस जो उसकी कवायद बीजेपी से पीछे चल रही है, कांग्रेस का बूथ लेवल तक पूरा मैनेजमेंट जम चुका है। डीसीसी अध्यक्ष आप 1.5 साल से घोषित नहीं कर पाए, क्या बूथ लेवल पर मैनेजमेंट आपका चल रहा है? कांग्रेस की एक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ अध्यक्ष जो बनता है, चूंकि बीच में अभी चुनाव आ गए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, इसलिए थोड़ा ये डिले हो गया। 1.5 साल से चुनाव थोड़ी चल रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आप पूछो उनसे उनको कितना फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा मजबूती से चल रहा है, ब्लॉक स्तर तक हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो संगठन सिंधिया जी पूरा मॉनिटरिंग करे हुए हैं। उन्होंने वो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि कौन से बूथ पर कौन व्यक्ति बैठेगा, इस तक डीसीसी वॉच नहीं कर रहे हैं, मीटिंग वो ले चुके, डीसीसी वॉच नहीं कर रहे हैं, नहीं सब जगह कहाँ कर रहे हैं डीसीसी का अध्यक्ष कहाँ है 1.5 साल से सर? अभी उन्होंने मीटिंग ली रिसेंटली हम लोगों की, सब लोगों की, और एक एक व्यक्ति को गाइड किया कैसे आपको कांग्रेस की आम जो धारणा हो गई है लोगों के प्रति, 40 रुपए जो कांग्रेस का बड़ा सवाल, ठीक बात है, 80 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई। कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल आता है कांग्रेस के हलकों से। सुधीर जी सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल कांग्रेस के हलकों के भीतर से निकल कर आता है कि हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाते और भारतीय जनता पार्टी उसमें मैनेजमेंट बेहतर कर लेती है। मुझे प्रोपोगंडा करने में आपको मालूम है माहिर है, आप क्यों नहीं कर पाते? ग्वालियर का दुर्भाग्य देखिए, क्यों नहीं कर पाते? एक ग्वालियर का दुर्भाग्य देखिए, पूरे देश के अंदर 2 तारीख को ग्वालियर के अंदर जो हिंसा फैलाई भाजपा के लोगों ने, पूरे देश में ग्वालियर को बदनाम कर दिया। शांति प्रिय अपनी पार्टी के मुद्दे पर आ गए, चीफ सेक्रेटरी मैंने कहा सबसे पहले आप कलेक्टर और एसपी को हटाइए ना, जिन्होंने टाइम में कार्यकाल में और इनकी सीआर में लिखा, भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से रामेश्वर भदौरिया जी हैं। रामेश्वर भदौरिया जी, संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को ने अपनी पार्टी को आप कितना मजबूत मानते हैं, जबकि इतने सारे मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, 3 बार से आप सत्ता में। देखिए हमारी जो पार्टी की तैयारियां है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमारी पूरी तैयारियां, कोई हमारी पार्टी के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कोई जनता में वातावरण विरोध वाला वातावरण नहीं है और हमारी चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और सीएम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की लोकप्रियता आज पूरे प्रदेश में बढ़ चढ़ कर भदौरिया जी की लोकप्रियता जो आप इतनी हावी बता रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता पर, क्या माना जाए कि बाकी सारे जो मुद्दे हैं
जो प्रदेश स्तर के भयावह मुद्दे हैं वो बोने पड़ जाएंगे उस लोकप्रियता के आगे? नहीं नहीं, मुद्दे मुद्दे कोई मुद्दे ही नहीं, समय क्यों नहीं है? मुद्दे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल डीजल मुद्दा नहीं है, 80 रुपए 70 रुपए डीजल हो गया है, पेट्रोल 80 रुपए हो गया, इसे आप मुद्दा नहीं मानते हैं? नहीं, उनकी उनके ऊपर समीक्षा चल रही है और कीमतों पर साहब समीक्षा कब से चल रही है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कीमतों से चिंतित है और वो समीक्षा कर रहे हैं और शीघ्र समीक्षा करके कीमतों को नियंत्रण किया जाएगा। देखिए जो मध्य प्रदेश की कर पॉलिसी है वो सबसे भिन्न ही चलती है, यहाँ पर उपकर भी लगा दिया जाता है, जब जीएसटी एक समान एक देश एक कर, तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश उसमें चलता है, उस पर अमल करता है? देखिए क्या क्यों अलग से उपकर लगाते हैं? मध्य प्रदेश की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है और सरकार के इतने विकास कार्य चल रहे हैं, तो इन करों से ही तो लोग परेशान हो रहे हैं, कहाँ लोग कल्याणकारी? आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, चाहे मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, और भी विभिन्न प्रकार की बेटी बचाओ और बेटी सुरक्षित नहीं रह पा रही है, बेटी सुरक्षित नहीं, बेटी देखिए तो बड़ा सवाल है ये, तो महिला सुरक्षा की बात करें तो एक बड़ा सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अपराधी है उनको सख्त सजा दिलाने के लिए पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए बहुत चिंतित है, बहुत गंभीर है मुख्यमंत्री जी। पिछले टेन्योर के कई मंत्रियों पर जांचें चल रही है, अभी तक उसका कुछ भी नहीं, किसी मंत्री पर कोई जांच नहीं चल रही है, पूरी सरकार हमारी पाक साफ है और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी भूल गई क्या? कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, न कोई उनके पास एक जनाधार है, अलग अलग कांग्रेस अलग अलग खेमे बटी है, रामेश्वर जी लौटूंगा लौटूंगा सुधीर जी आपका जवाब, सुधीर जी आपका जवाब। आप ये देखिए कितना बेवकूफ ये भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार बना रही है, जल आवर्धन योजना के लिए इंदौर को 700 करोड़ रुपए का अनुदान मिला, कितने 700 करोड़ रुपए का, लेकिन ग्वालियर में एनसीआर में लाकर 250 करोड़ रुपए का लोन एनसीआर से दिलवाया जा रहा है। ये ग्वालियर नगर निगम की स्थिति नहीं है कि वो लोन का रीपेमेंट कर पाए, ये आम जनता को मालूम ही नहीं है। आपने कोई आंदोलन किया? आप लोग खड़े ग्वालियर में सवाल सवाल रामेश्वर जी सुधीर जी आप लोग करके बोलिए, आपने क्या विरोध कर लिया उसके लिए? कांग्रेस ने क्या कर लिया? हम कर्तव्य ज्ञापन दिया, अभी मेमोरेंडम उनको दिया कि ग्वालियर को इस स्तर पर तो कांग्रेस को सड़कों पर उतारना चाहिए। आप शामिल कर रहे हो हॉस्पिटल की दुर्दशा, आप देख लीजिए कोई दवाई नहीं है, गरीब आने का कार्ड बना दिए, वहाँ जो इन्होंने दोनों को प्रदीप पांडे साहब आपकी तरफ लौटूंगा, पांडे साहब आपका जवाब, सामने ग्वालियर पॉटरीज है उसको दे रहे हैं कि हम फाइव स्टार होटल बनाएंगे, अरे हॉस्पिटल के सामने वाली जमीन हॉस्पिटल को दी जाना चाहिए। सिंधिया स्टेट के टाइम में 100 साल पहले 100 बीघा जमीन दी, वो 100 बीघा जमीन है, लौटूंगा, इस पर सवाल करूंगा मैं, जमीन हर हालत में ग्वालियर पॉटरीज का भी जेएच को मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ग्वालियर का मैं लौटूंगा। प्रदीप पांडे जी आपने दोनों को सुना, क्या कहेंगे आप? सवाल अभी भी वही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की नजर से देखें तो बहुत विकास हुआ है, विकास की एक मान लीजिए गंगा ही बही है, और कांग्रेस का कहना है कि विकास अब हम करके दिखाएंगे, कि विकास की परिभाषा वो बताएंगे कि होता है क्या, पर दोनों दलों के लिए बड़ा मुश्किल है। 15 सालों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं खुद से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम कहाँ थे कहाँ आए और अब आगे की दिशा क्या होगी। देखिए जहाँ तक विकास की बात है ग्वालियर के संदर्भ में, एक बात और बीच में रुक के कहूंगा, ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट नगर आप चले जाइए, क्या हालत है, बार की रोड तो बन गई है, दो फुट की शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, दो दो फुट के गड्ढे हैं ग्वालियर शहर के अंदर, चारों दिशाओं में आप ग्वालियर के अंदर आप घुसे, चाहे भड़ौपुर से घुसे हैं, चाहे ठीक है जवाब उनसे लेंगे, 12 साल पांडे साहब का जवाब पहले में ले लिया है, ग्वालियर से जबरन 12 साल में नहीं बन पाई, लेकिन मैं दोनों की आवाज को भी रोकना पड़ेगा, दोनों की आवाज को रोकना पड़ेगा, स्मार्ट सिटी घोषित हो गया, कोई चीज स्मार्ट नहीं हो पाई। पांडे साहब आपका जवाब। देखो जहाँ तक विकास की बात है ग्वालियर के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो विकास का जो योगदान है वो अपने पक्ष में ले नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि सब में मैं की जो बात है, अब जैसे चंबल नदी से पानी जाने की जो बात है सभी ने प्रयास किए जी, सभी ने मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने और केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने अपने प्रयासों से केंद्र से उसको मंजूर कराया। आप देखिए कि बीजेपी का अभी तक एक भी ऑफिशियल बयान प्रेस के लिए जारी नहीं हुआ कि साहब हमारी सरकार ने हमारे नेताओं ने ये चंबल से पानी लाने का ये योजना स्वीकृत कराई है।
तो जब ये स्थिति होगी तो जाहिर है कि श्रेय इनको कैसे मिलेगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के कई मंत्री ग्वालियर से हैं, कई राज्यपाल हैं, कई सांसद हैं, और मुझे याद है कई साल मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए, 15 साल तो सत्ता को ही बीजेपी को हो गए। बिल्कुल ठीक बात है, 15 साल नवंबर में एक बार भी बीजेपी के सत्तारूढ़ नेताओं ने एक मंच पर ग्वालियर के विकास के लिए किसी प्रकार का कोई बैठक नहीं ली। और ये बात मैंने सांसद प्रभात झा से पूछा भी था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस बारे में नरेंद्र तोमर जी से बात करें। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हम ये सिंधिया जी पर आते हैं और पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस में गुटबाजी तो हालांकि हर पार्टी में है, लेकिन कमोवेश कांग्रेस में ज्यादा और कांग्रेस में ज्यादा, लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी होती है उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है, ये अभी तक का स्थिति रही है। कुछ एक चुनाव को छोड़ दें, फिर भी गुटबाजी से कई बार नुकसान भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभी ने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस की अपनी ढपली अपना राग, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को है भारी आत्मविश्वास। क्या ये आत्मविश्वास वाकई बेड़ा पार कर पाएगा शिवराज का, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में, या फिर इस बार पटकनी खानी होगी भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस का बेड़ा पार होगा? ये दोनों ही अभी सवाल हैं, और इस सवाल का जवाब सिर्फ 2018 में आने वाला जनादेश ही सही दे सकता है। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहें SKS न्यूज़।